डोंकी। बहुत सारे लोग इसे डोंकी भी बोलते हैं और ये इंग्लिश के वर्ड डोंकी से बहुत ज्यादा रिजेंबल भी करता है। पर मेन क्वेश्चन ये है कि शाहरुख खान के आने वाली फिल्म का टाइटल डोंकी क्यों है और इसका मतलब क्या होता है, और ट्रेलर में जो ड्रॉप 1 लिखा है उसका मतलब क्या होता है। डोंकी का तरह आए थे भाई, चार जने बचे भाई हम। We're going to build a wall. It's going to be built. That has claimed the lives of at least 79 migrants. डोंकी एक पंजाबी शब्द है जो कि पॉपुलर लैंग्वेज है हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर की, और डोंकी का मतलब होता है गधों की तरह एक जगह से दूसरी जगह जाना। वैसे डोंकी बोलो या डोंकी बोलो, ये शब्द एक्चुअली पॉपुलर हुआ था MPI यानी माइग्रेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के रिसर्च पेपर जो कि 2014 में पब्लिश हुआ था। वैसे हमें अर्ली इलीगल माइग्रेशन देखने को मिलती है 1971 से भारत के पंजाब और हरियाणा और पाकिस्तान के पंजाब और सिंध से बहुत सारे लोग डोंकी लगा के यूरोपियंस कंट्री और अमेरिकन कंट्री में जाने लग गए थे। पर वैसे तो डोंकी के बहुत सारे पात है, पर जो लोग अमेरिका जाते थे वो इंडिया से किसी लैटिन अमेरिका कंट्री में जाते थे जैसे वेनेजुएला, कोलंबो, मेक्सिको या इक्वाडोर। वहाँ से लोग बॉर्डर क्रॉस करके जाते थे मेक्सिको, फिर अमेरिका से वो लोग जाते थे अमेरिका के न्यू मेक्सिको में जहाँ पे वो असाइलम सीख करते थे जिन लोगों को अमेरिका में रहना होता था। फिर जो लोग कनाडा जाना चाहते थे वो अमेरिका में इंटरनली ट्रेवल कर करके डिट्रॉइट के मिशिगन से, फिर वहाँ से वो इलीगली ट्रेवल करके जाते थे कनाडा के सिटी विंडसर, ओंटारियो। और बात रही यूके और यूरोपियन कंट्री की, तो यहाँ का रास्ता बहुत ही अलग था। यहाँ से अमृतसर से लोग जाते थे पाकिस्तान, वहाँ से जाते थे काबुल, काबुल से जाते थे सर्बेरिया, सर्बेरिया में ट्रक में बैठ के जाते थे बेलारूस, बेलारूस से जाते थे पोलैंड, पोलैंड से वो पहुंचते थे एक यूरोपियन कंट्री में जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, फिर वो यूरोपियन यूनियन में इंटरनली ट्रेवल करके जाते थे फ्रांस, और फ्रांस से फेरी लेके जाते थे यूके इलीगली। और फ्लाइट से बात करें तो ये लोग डोंकी फ्लाइट लगाते थे मोस्टली एक अफ्रीकन कंट्री का, फिर वहां से जाते थे कोई यूरोपियन कंट्री, और यूरोपियन कंट्री के अंदर इंटरनली कुछ दिनों रहने के बाद अपना इलीगल पासपोर्ट और वीजा लगा के जाते थे यूके। पर अगर आप ध्यान दें तो ट्रेलर में लिखा है ड्रॉप 1। ड्रॉप 1 क्या होता है? एक्चुअली ड्रॉप 1 बेसिकली वो ग्रुप होता है जो किसी भी पाथ में सबसे पहले निकलता है। डोंकी के जितने भी पार्ट होते हैं वो इलीगल होते हैं, वहाँ पे असैसिन्स हो सकते हैं, वहाँ पे थीव्स हो सकते हैं, थग्स हो सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ केसेस में लोग मर जाते हैं डोंकी लगाते लगाते। पाथ में जो ग्रुप सबसे पहले निकलता है उसे ड्रॉप 1 कहता है, तो इनकी मारे जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। हर साल हजारों लोग मारे जाते हैं मेक्सिको और यूएस के बॉर्डर के बीच टू चेस अ अमेरिकन ड्रीम, और उससे ज्यादा जो लोग डोंकी लगा के यूके और यूरोप जाते हैं वहाँ पे मारे जाते हैं। और पिछले साल की ही बात है, आपने ये फोटोज और वीडियोस देखी होगी कि पोलैंड के बॉर्डर में कितनी टेंशन हो गई थी जब बेलारूस ने बहुत सारे इमिग्रेंट्स को अलाउ कर दिया था पोलैंड बॉर्डर में जाने, और वहाँ पे लगभग वॉर जैसी सिचुएशन बन गई थी। इमिग्रेंट्स को बहुत सारी कंट्री एज अ पॉलिटिकल टूल की तरह भी यूज करती है, तुर्की ने भी किया है, रशिया ने भी किया है, और अमेरिका तो करता ही है। जहाँ यूएसए में फिफ्थ सबसे बड़ा इमिग्रेंट्स का ग्रुप इंडियन है, वहीं यूके पे हम थर्ड नंबर पर है। यूएस और मेक्सिको के बॉर्डर के बीच में ईयर 2021 में 16,000 से भी ज्यादा लोगों को इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग के कारण वहाँ की पुलिस ने पकड़ा है। पर इंटरेस्टिंग फिगर ये नहीं है, 2023 में यूएस के कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन पुलिस ने 96,000 से भी ज्यादा इंडियंस को इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग के केस में अरेस्ट किया है। पार्ट 2, स्टार्टिंग ऑफ डोंकी प्रोसेस। डोंकी प्रोसेस की शुरुआत होती है ट्रेवल एजेंसियों के द्वारा, जहां ट्रेवल एजेंसियों का नेक्सस होता है पूरे पंजाब में, क्योंकि डोंकी लगाने वाले मेजोरिटी ऑफ लोग पंजाब से होते हैं, तो स्कैम का सबसे ज्यादा चांसेस भी यहीं पे होता है। बहुत बार पैसे ले लिए जाते हैं और इलीगल डॉक्यूमेंट्स बना के भेज दिया जाता है, और जब वो बॉर्डर पे पहुंचते हैं तो उन्हें वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है। मेजोरिटी ऑफ केस में एजेंट अप्लाई करते हैं H1B वीजा, जो हाई पॉसिबिलिटी रिजेक्ट होगा, फिर वो अप्लाई करते हैं डोंकी वीजा, जिसके लिए वो चार्ज करते हैं 20 लाख से लेकर 40 लाख रुपए। मेजोरिटी ऑफ डोंकी लगाने वाले उस कंट्री में पहुंच के असाइलम सीख करते हैं, यानी वो ये क्लेम करते हैं कि वो जिस कंट्री से आए हैं उन्हें वहाँ पे सेफ फील नहीं करता और वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें परेशान कर रही है। 1984 में जब सीख राइट्स होते हैं तो पंजाब से असाइलम सीख करने वालों की तादाद बढ़ गई थी, पर हम सब जानते हैं कि सिचुएशन अब बदल चुका है। आज वो सिचुएशन नहीं है कि जो 1984 में थी। पर मेजोरिटी ऑफ केस में लोग डोंकी इसलिए नहीं लगाते कि उन्हें उनके देश में खतरा है। लोग चाहते हैं बेहतर भविष्य, अपनों का और अपने बच्चों का। उन्हें पता है कि इस प्रोसेस में कामयाब होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, फिर भी वो दाव लगाते हैं पैसों का और अपनी जान का। और बहुत से लोगों ने शुरुआत में जो इलीगल इमिग्रेंट्स बन के कैनेडा, यूके और यूएस में जाके बसे हैं, आज उनकी लाइफ बहुत बेहतर हो गई है, और ये मोटिवेट करता है उन लोगों को जो आज इंडिया में हैं और डोंकी लगाने के बारे में सोच रहे हैं। पार्ट 3, कंक्लूजन। द गुड, द बैड, द अगली, हमें सब ये आने वाली फिल्म डोंकी में दिखेगी। वो सारे इमोशंस, जीवन, मौत, प्यार, घमंड, पछतावा, परिश्रम,
हमें सब ये दिखने वाला है। आने वाली फिल्म डंकी का मुझे बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि ये भारत की वो सच्चाई दिखाएगी जो हम देख के भी इग्नोर करते हैं, और जब हम प्रॉब्लम को जानते हैं तब हम उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हम भारतीय किसी भी प्रॉब्लम से नहीं डरते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट व्हाट यू लाइक अबाउट माई वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट व्हाट यू डोंट लाइक अबाउट माई वीडियो बिकॉज क्रिटिसिज्म इज एवरीथिंग। एट द एंड वी लिव इन द एरा ऑफ सुपर सागा। थैंक यू सो मच।